आज का ये वीडियो शुरू हो रहा है हमारे कमेंट के पे आधारित है, यानी कि ये कमेंट है टीएनटी मोस्टर, इन्होंने लिखा है, सर बस स्टूडेंट्स का लीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या कॉलेज स्टूडेंट्स या फ्रेशर का। यदि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया हो या आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपकी नीड हो कि कॉलेज या जो भी फ्रेशर्स है उन स्टूडेंट्स की लीड्स की जरूरत है, क्योंकि आपने यदि हमारा गूगल से लीड्स निकालने वाला वीडियो आप देखे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट यदि स्टूडेंट की लीड्स की है तो। यदि आप एक बिजनेस ओनर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट को पिच करने के लिए, तो उस पर आधारित हमने वो जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड किया है, जिस वीडियो को इन्होंने देख करके हमें कमेंट किया है। तो फिलहाल हम लोग इस चीज को समझते हैं कि आखिर स्टूडेंट का लीड आपको लाना है तो कैसे हम ला सकते हैं, इस वीडियो का मेन मकसद रहेगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं ताकि आपके बिजनेस को डिजिटली ग्रो कराने में हेल्प कर सके। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं वीडियो में आगे, कि पहले ये समझा जाए कि जिस वीडियो का आपने देखा जहां पर मैंने बताया है कि आप गूगल से फ्री में कैसे हजारों लीड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उनका नाम एड्रेस फोन नंबर इत्यादि, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन लीड्स की बात किए हैं जो कि बिजनेसेस हैं, यानी कि ऐसे बिजनेस है जो कि ऑलरेडी गूगल पे रजिस्टर्ड है, उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है जिसके थ्रू उनकी डाटा गूगल के जो गूगल मैप होते हैं वहां पे शो होता है, जिसके सहायता से हम उनके डाटा को टूल, जिस टूल की मैंने बात किया है उस टूल की सहायता से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, ताकि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि आप ऐसे बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं आपका प्रोडक्ट या सर्विस, तो उनको आप पिच कर सकते हैं ताकि आप पे आपके बिजनेस के लिए एक नया क्लाइंट्स का है या कस्टमर का ऐड हो सके और आपकी सर्विस या प्रोडक्ट बिक सके। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका ये आ रहा है और स्टूडेंट्स या फ्रेशर, तो पहले ये समझना जरूरी होगा कि आप जिस स्टूडेंट की लीड्स की नीड्स है या जिन फ्रेशर्स की लीड्स की नीड्स है वो कहाँ रजिस्टर होंगे, क्या वो गूगल मैप पे रजिस्टर होंगे? एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि उनकी कोई बिजनेस नहीं है और जो गूगल है या गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो बनता है वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नहीं बनता है, वो एक बिजनेस का बनता है, नहीं वो फ्रेशर का बनता है। तो उस स्थिति में आपको जाना होगा ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहां की जो लोग हैं यानी जो स्टूडेंट्स है या फ्रेशर है अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। अब आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो आप बारीकी से नहीं बल्कि सिंपल तरीके से सोचिए कि एक स्टूडेंट की प्रोफाइल कहां मिलेगी। सिंपल जवाब होगा, फेसबुक पे चले जाइए, लोगों की स्टूडेंट की अपनी प्रोफाइल होती है, फ्रेशर की अपनी प्रोफाइल होती है, इंस्टाग्राम पर होती है, इसके अलावा आपके लिंक्डइन पे भी वैसे जो फ्रेशर होते हैं खासतौर पे जो काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लिंक्डइन पे भी मिल जाते हैं। इस तरह से ऐसे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन प्रोफाइल को ढूंढना होगा। अब जाहिर सी बात है कि पब्लिकली सारे प्रोफाइल होते नहीं है, तो अब उनके इंटरेस्ट के आधार पे ऐसे लीड को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक ही विकल्प बनता है, वो है पेड एड के थ्रू। अब ये जो पेड एड है आप फेसबुक का भी सहायता ले सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी ले सकते हैं, ट्विटर का भी ले सकते हैं, लिंक्डइन का भी ले सकते हैं, या आप गूगल एड के थ्रू भी यूट्यूब या गूगल पे टारगेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात ये हुई कि यदि आप स्टूडेंट या फ्रेशर को टारगेट करना चाह रहे हैं, उनसे लीड्स को लाना चाह रहे हैं, तो गूगल के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल गूगल पे नहीं बनाते हैं, उनकी प्रोफाइल होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे कि सीधे तौर पे तो नहीं, आपको करना क्या पड़ेगा, एक एक को ढूंढना ज्यादातर मुश्किल होगा और एक्सट्रैक्ट वाले कोई ऑप्शन होती नहीं है। उसके अल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाए तो वो आप एड के थ्रू खास तौर पे एकदम इंटरेस्टेड जो भी स्टूडेंट है या फ्रेशर्स है
उनके लीड्स को आप जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। यदि आप भी चाहते हैं आप अपने जो भी टारगेटेड स्टूडेंट या फ्रेशर है उनका लीड्स लेना, तो गूगल के पास कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल मैप को स्टार्ट करके कोई विकल्प नहीं है, आपको जाना होगा पेड एड जो कि सोशल मीडिया पे रन करा के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा और ये समझने में सहायता किया होगा कि आप स्टूडेंट के जो लीड्स है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।